हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और आप देख रहे हो माय लाइफ खतरा यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं अभी बताने वाला हूँ कि तलाबाद में कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं और तलाबाद की जॉब में कितना कमा सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा और कैसे वीजा लगा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में अभी क्या सीन है अगर तलाबाद में बाइक राइडर की जॉब करना चाहता है तो। मैं भाई का इंटरव्यू लेने वाला हूँ और उनसे पूछता हूँ, वो भी इंडिया से हैं। तो ये हमारे भाईजान इंडिया से हैं और आपको बताएंगे कि क्या अभी सीन चल रही है जॉब वगैरह के बारे में, और जो तलाबाद में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या बाइक राइडर की जॉब करना चाहते हैं उनके बारे में आप बताएंगे। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार अली। क्या हाल है, सब ठीक है? अभी दुबई में कितना साल हो गया आपको? मुझे 14 साल। माशाल्लाह, दुबई में 14 साल हो गया भाई। और जैसे कि आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो तो इसमें जैसे कि तलाबाद में कर रहे हो तो क्या मतलब ज्वाइनिंग करने के लिए क्या आपको करना चाहिए? मतलब सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्टी का वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा होना चाहिए, हाँ, यूएई का मतलब। हाँ, और कॉन्ट्रैक्टर का होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है तलाबाद में। जी, उनकी वीज़ा होना चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा आपको इजी लग जाएगा। अच्छा, अगर आप इंडिया से नहीं, जैसे कि आप इंडिया से कोई बंदा आता है विजिट वीज़ा पर, तो यहाँ पर जैसे कि अब तलाबाद में बाइक राइडर का इंटरेस्टेड है, जॉब करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद फाइल ओपन करके लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी, ये मिनिमम टोटल खर्चा जो आएगा 12 से 15 हज़ार के बीच में। 12 से 15 हज़ार दिरहम के बीच में। हाँ, इंडिया क्या बन जाता है? इंडिया का मेरे हिसाब से 2 लाख रुपये बन जाएंगे। हाँ, 2 लाख तो बन जाएगा पक्का। और जैसे कि इसमें ड्यूटी टाइमिंग क्या? टाइमिंग ना, आप जिस टाइम काम कर सकते हैं। अच्छा, आपकी बाइक वगैरह तो कंपनी कंपनी देती है, पेट्रोल, खाना, रूम सब अपना। अच्छा, खाना रूम सब अपना। अच्छा, चलिए ये ठीक है। और जैसे कि मैंने महीने में कितना मतलब कमा सकता है इंसान अगर? ये अपने ऊपर है। जी, हम ड्यूटी कर रहे हैं 10 घंटा 11 घंटा। तो अच्छा, मतलब जैसे कि 10 घंटा ड्यूटी कर लिया, अगर तबीयत खराब है या कुछ प्रॉब्लम है तो ड्यूटी ऑफ कर सकता है? ऑफ कर सकते हैं, एक दिन छुट्टी भी कर सकता है। अच्छा, हाँ, ये सही है। ऐसा अपनी मर्जी है, आप चाहे जितना ड्यूटी कर लो। अच्छा, 10 घंटा मिनिमम है। अच्छा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर करता है कि आप 8 घंटा कर लो या 10 घंटा कर लो। जी, आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब जैसे कि कितना कमा सकता है सैलरी, इसमें क्या सैलरी मिनिमम सैलरी वाला सैलरी बेस भी होते हैं? कमीशन नहीं होता, सैलरी नहीं होता, पर ऑर्डर कमीशन है। पर ऑर्डर मतलब कितना दिरहम होता है? 7.50 है। 7.50 है, 2.5-3 किलोमीटर के अंदर में। अच्छा, इसके बाद आपको डिस्टेंस अलग मिलता है। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली दुबई गया था, अभी मैं शारजा में हूँ, शारजा में आप भी हैं, तो मैंने देखा था वहाँ साइकिल से भी डिलीवरी कर रहे थे कुछ लोग। ये दुबई में हो सकता है लेकिन शारजा में नहीं है। अच्छा, साइकिल से भी कर रहे थे? साइकिल से नहीं। साइकिल से क्या सीन है? साइकिल से यहाँ ममनू है भाई। अच्छा, मतलब हर जगह अलाउ नहीं है? यहाँ बाइक नहीं अलाउ है, साइकिल का तो लाइसेंस बनता नहीं है यहाँ पर। साइकिल चलाना भी अलाउ नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, ये तो है, लेकिन कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, देखा है हमने, है ना? चलाते हैं लेकिन पकड़े जाने के बाद उनकी साइकिल जमा हो जाती है। हाँ, ये तो बात है। चलिए, यहाँ पे लीगल काम होता है, अनलीगल कुछ नहीं। हाँ, ये है, लेकिन अगर जो लोग भाई बाइक डिलीवरी की जॉब में आना चाहते हैं, तलाबाद ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम 2 लाख 2.5 लाख 2-2.5 लाख रुपए इंडियन होना चाहिए। यहाँ पे लाइसेंस लेते हो? और भाई भाईजान, अभी हमने सुना था कि बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, ऐसा कुछ फ्रॉड तो है, तो कैसे सेव हो सकते हैं, मतलब कैसे उसको? किसी कंपनी के द्वारा जाए ना, किसी दलाल के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू बच जाए। जी, बच जाएंगे कंपनी के थ्रू जाएंगे, मतलब कैसे उसको जाने की वो सही कंपनी है, कुछ तो आइडिया हो सकता है? नहीं, आप नेट गूगल पे चेक कर सकते हो ना उसको। जी, कोई कंट्रैक्टर है ना उससे। तो भाई ने बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जो लोग तलाबाद में ज्वाइन करना चाहते हैं, बाइक डिलीवरी की जॉब करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन उन कुछ क्राइटेरिया है, पैसे कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। अगर 2 लाख से कम तो नहीं होना चाहिए, कम से कम है ना 2 लाख के ऊपर होने चाहिए आपके पास, तब बैठ के भी तो खाना है 6 महीने। हाँ, कम से कम 2 महीना जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, किसी कंट्रेक्टर से मिलोगे, तो कम से कम 2 महीना लग जाएगा लाइसेंस लेने में। तब तक आप रूम में ही रहोगे, कोई काम नहीं है। हाँ, कोई काम नहीं कर सकते हो, केवल आपको खाना है और लाइसेंस को लर्निंग करना है, मतलब है ना, टेस्ट करना है बस। तो चलिए, आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।